अगर आपको किसी असली चीज से, असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना है, तो सबसे अच्छा काम ये कर लीजिए, उनको कंफ्यूज कर दीजिए। जी हाँ, ये सबसे अच्छी चीज है अगर आप असली मुद्दे से उनको भटकाए रखना चाहते हैं। पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या दिखाया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके लिए तो चीजें वही चल रही हैं जो दिखाई जा रही हैं। और दिखाया क्या जा रहा है वो हम में से कुछ को पता है, समय समय पर बात करते रहते हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सरकारें एक तरफ जरूरी एग्रीमेंट साइन करती हैं जो आपकी हर एक की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है, वो तय करता है कि आप आने वाले साल में किस देश का जहर खाएंगे, किस देश का अनाज खाएंगे जिसमें GMO नाम का जहर मिला होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन इन एग्रीमेंट की कभी भी आपको चर्चा नहीं दिखेगी, कभी भी खबर नहीं दिखेगी, क्योंकि उस समय टीवी पर चलाया जा रहा होता है कि विराट कोहली कौन सा पानी पीता है, विराट कोहली ने कैप्टेंसी क्यों छोड़ी, शाहरुख खान अब क्या कर रहा है, शाहरुख खान का बेटा रिहा हुआ या नहीं हुआ। और जैसे ही ये एग्रीमेंट पीछे से साइन हो जाते हैं, उसके बाद वो सब खबरें भी गायब हो जाती हैं, फिर एक नई TRP के लिए नई खबर आपके लिए तैयार होती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक एग्रीमेंट फिर से साइन होने जा रहा होता है जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है, और शायद जो आपकी जिंदगी बदलने वाला होता है। और कभी भी आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपकी आने वाली दुर्दशा के लिए वो एग्रीमेंट साइन सरकार ने कब किया, क्यों किया, कैसे किया, किन हालातों में किया। जैसा मैंने पहले कहा, पिछले 2 साल से हो क्या रहा है समझ में ही नहीं आ रहा या समझाया ही नहीं जा रहा। उसी तरीके से एक और चीज अब बाहर आई है कि पिछले 2 साल में लोगों की मौतें हो रही है, लेकिन वो कारण हमसे छुपाया गया है। पिछले 2 साल से अब एक आंकड़ा बाहर निकल कर आया है जो खुद भारत सरकार ने दिया है। राज्यसभा के सदस्य सुखराम यादव ने सवाल पूछा था कि भारत में कितनी मौतें आत्महत्या से हुई हैं, तो जो होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है नित्यानंद जी, उन्होंने इसका जवाब दिया कि 2018 से लेकर 2020 तक 25,000 लोगों ने आत्महत्या की है सिर्फ भारत में, और ये ऑफिशियल आंकड़ा है। मेरी बात ये ध्यान रखना, मैं दोबारा से इसको कोट कर रहा हूं, ये आंकड़ा ऑफिशियल है जो भारत सरकार ने दिया है। इसका मतलब जो रियल स्टैट्स है वो इससे कहीं ना कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि भारत सरकार ये कह रही है कि वी डू नॉट नो हाउ मेनी पीपल हैव डाइड विच वर माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर, जब हमने पिछले 2020 में देखा कि जो जब कोविड आया तो दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से लोग उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ पैदल चल पड़े थे, जत्थे के जत्थे इन राज्यों को छोड़कर यूपी बिहार जा रहे थे, तो उसमें न जाने कितने लोगों की मौत हुई, या मैं कहूं हत्या हुई, उसका भारत सरकार को नहीं पता है। अब बात कर लेते हैं उस 25,000 की जो भारत सरकार ने आंकड़ा दिया है, जो कितना ठीक है कितना गलत वो आप खुद जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन 25,000 में से जो 16,000 मौतें हैं वो हुई है, कर्ज इन लोगों के पास था, कर्ज इनके ऊपर था, और कर्ज में दबे होने के कारण इन लोगों ने आत्महत्या की। 9,140 लोगों ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि वो बेरोजगार थे, उनके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं था, कोई भी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कोई काम नहीं था, किसी भी तरीके से वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। अब सोच कर देखिए, अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आपने सरकार से 5,000 करोड़ रुपए लिए हैं, लोन लिया है, तो आप आराम से उस लोन को मत चुकाइए और किसी भी बाहर चले जाइए, किसी भी देश में आराम से बैठिए, वहां की नागरिकता ले लीजिए, सिटीजनशिप ले लीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप किसान हैं, अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हैं, और अगर आपने 5 लाख रुपए भी सरकार से ले लिए, बैंक से लोन ले लिया, तो यकीन मानिए नहीं चुकाने पर आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये सरकार कह रही है 16,000 लोगों ने कर्ज लिया था, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। 9,140 लोगों ने बेरोजगारी की वजह से की, हम सभी जानते हैं, ऑफिशियल डेटा है।
10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौकरियां खोई हैं कोविड में, कोरोना में पिछले 2 साल में। सरकार ये मानती है कि इन 25,000 जो आत्महत्या का डेटा वो दे रही है, उसमें उन सरकार ने बकायदा राज्यसभा में खड़े होकर जवाब दिया है कि इसमें जो दूसरी लहर है, जो 2021 में दूसरी लहर आई थी, उसका डेटा हमारे पास नहीं है, उसका डेटा अभी आया ही नहीं है सरकार के पास, ये सिर्फ पहली वेव का है, पहली लहर का डेटा है जो सरकार कह रही है। तो कितना हुआ होगा अब आप खुद यकीन लगा लीजिए, खुद देख लीजिए कि कैसे होगा। और अगर मतलब जब मैं वो बात कर रहा था कि 9,140 जो बेरोजगार हैं, तो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां खोई थी कोविड के इस समय में, उनका क्या होगा? अब वो लोग कहाँ हैं? उनमें से कितनों ने आत्महत्या की 2021 में, कितनों ने आत्महत्या की, और ये सब क्यों छिपाया जा रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा? क्यों किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, किसी भी जो न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन चीजों को आगे क्यों नहीं लाया जा रहा? सवाल जरूर उठने चाहिए, सवाल उठने चाहिए कि पिछले 2 साल से जो और बीमारियां हैं उनका स्टेटस क्या है, उनके जो मरीज हैं क्या उन्हें पर्याप्त इलाज मिल रहा है, क्या सही इलाज मिल रहा है? सवाल उठने चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, ये सभी देशों के मुद्दे हैं। आज पूरे विश्व में महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये इन मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, क्योंकि आपको तो ये पड़ी है कि आज ऐश्वर्या राय ने, कैटरीना कैफ ने चांद देखा या नहीं देखा, शाहरुख खान अपने घर में आज क्या कर रहा है, विराट कोहली ने कैप्टेंसी क्यों छोड़ी। आप सबको तो इन चीजों पर खबरें दिखाई जाती हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, और ये न्यूज चैनल ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम वो चीज ना देखें, दूसरा हमारे इंटरेस्ट की चीजें वो हमें दिखाते हैं। अगर हम असली मुद्दों पर बात करने लग जाए तो हो सकता है कि ये भी अपनी नींद से जाग जाए और ये भी असली मुद्दों पर बात करना शुरू कर दे। आपके असली मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी और कर्ज के कारण ये हो रही आत्महत्याएं हैं, ये आपके असली मुद्दे हैं। अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो ये मत सोचिए कि आपके घर तक नहीं आएगी, क्योंकि आग तो आपके घर तक आ चुकी है, बस अभी आपको पता नहीं लग पा रहा है कि वो आग आपके घर में पहुंची है, या मैं कहूं वो अभी धीरे धीरे सुलग रही है, तो आपको अंदाजा नहीं लग रहा है कि आपके घर में भी आग लगी हुई है। अभी भी ही समय है, बच जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि ये समस्याएं आपके पास भी आने वाली है। आपके घर में भी जीएमओ फूड जा रहा है, आपके घर में भी बीमारियां जा रही हैं, आपके घर में भी वो बंदिशें हैं जो पूरी दुनिया झेल रही है। समय है, जाग जाइए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।